बस उम्मीदें हैं आगे आगे हम बढ़ते रहें, आगे है और वो लोगों से जुड़ते रहें, ये सारी उम्मीदें हैं। हम चाह रहे हैं कि वो हर एक इंसान की बातें, बहुत मुश्किल है सुनना, लेकिन कम से कम कुछ लोगों की बातें अगर हम अपने यहाँ पे बात करके उन तक पहुँचा सके तो हमारी वो कोशिश जारी है। क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना पड़ा, मजबूरी क्या पड़ गई? मजबूरी नहीं है, यात्राएं हैं, यात्रा होती है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत न्याय यात्रा है। और ऐसी मैम लोगों का एक सोच बना हुआ कि न्याय यात्रा मतलब शायद न्याय नहीं मिल रहा है, मन में चल रहा है, तो क्या वाकई में भारत में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? फिर महंगाई, बेरोजगारी, किसी भी सिलसिले में अगर बात करें, न्याय तो ऐसा है कि इस देश में अगर एक भी महिला उत्पीड़न उसके साथ हुआ है, या फिर कोई एक इंसान बेरोजगार है, या किसी के पास किसी तरीके की तकलीफ है, जैसे वो भाई ने कहा कि उनको आवास नहीं मिल रहा, तो तब तक वो न्याय की मांग तो चलती रहेगी। ये यात्राएं हैं, ये यात्रा चलती रहेगी जब तक इस देश में तकलीफें हैं, ये न्याय की मांग उठती रहेगी। अभी ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक यहाँ जो पहुँची, पहले कहाँ से कहाँ तक आई? ये मणिपुर से चली, नागालैंड में आई, नागालैंड से चली असम में आई, फिर अरुणाचल प्रदेश गई, फिर असम में आई, फिर मेघालय गई, फिर असम में आई, फिर अभी वेस्ट बंगाल में होते हुए अभी बिहार में आई है। चलिए तो हम लगातार अपडेट दे रहे। सर क्या परिचय हुआ आपका? मैं देवेंद्र शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश, मुरैना। मध्य प्रदेश से? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे आज इस खास मौके पर? राहुल गांधी जी अलग अलग स्टेट में, जिले में जाकर पद यात्रा कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल जी का एक ही मकसद है। अच्छा। कि जैसा देश में आप सबको पता है, दिख रहा है। अच्छा। कि अगर आपने थोड़ा सा भी बोला तो ईडी और सीबीआई आपको पकड़ लेगी। अच्छा। तो अगर ईडी और सीबीआई से जिनको डर है, अच्छा, वो तो घर बैठ गए। अच्छा। और जो साहसी व्यक्ति है, जो न्याय के लिए लड़ रहा है, न्याय भी जो है पांच प्रकार से। अच्छा। महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, सामाजिक समता के लिए न्याय, और हक के लिए न्याय। अच्छा। एक आम नागरिक का हक क्या है? जैसे हक जो है किसी के कहने से नहीं मिलता, हक बाई बर्थ होता है। जैसे हमने जन्म लिया और देश के नागरिक बने, तो नागरिक का जो हक होता है देश में, अच्छा, वो हक हमें मिलना चाहिए। अच्छा। हमें रोजी रोटी मिलनी चाहिए। हमको हम सर अभी आए देखने के लिए, मोबाइल चोरी हो गया। हमको खाना मिलना चाहिए। अच्छा। हमको शिक्षा मिलनी चाहिए। हमको समता मूलक सिद्धांत बनाने चाहिए। अच्छा। और जो संविधान है हमारे देश का, जो हमने बड़ी मेहनत से इतने वर्षों के देदीप्यमान व्यवस्थाओं को झेलते हुए, और जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं असमानता का द्योतक थी, उन्हें समानता के रूप में, संविधान के रूप में हमने अंगीकार स्वीकार किया है। क्या लगता है सर, इंडिया अलायंस कितना मजबूत है आज के समय में? क्या लड़ पाएगी महंगाई से, बेरोजगारी से, सभी चीज़ लड़ पाए? देखो, कोई भी व्यवस्था चुनौती होती है, और उस चुनौती से लड़ने के लिए ही काम होता है। चुनौती स्वीकार करना होता है, एक लीडर का, एक पार्टी का, एक आम नागरिक का ये कर्तव्य होता है। तो हमने चुनौती के रूप में उसे स्वीकार किया है। अच्छा। और लड़ पाएगी कि लड़ रहे हैं, पाएगी क्या? लड़ाई जारी है, और लड़ाई जारी है तो इसका मतलब है लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, लड़ेंगे जीतेंगे। पूर्णिया के लोगों को कुछ मैसेज देंगे, इतना दूर से आप चल के आए हुए हैं? पूर्णिया के लोग, और पूर्णिया के साथ साथ इस पूरे संपूर्ण बिहार के लोग आदिकाल से बहुत ही संघर्षशील और विचारवान रहे हैं, और इस देश में गांधी को भी अगर कहीं ख्याति मिली तो चंपारण बिहार से ही मिली। तो ये बिहार की धरती से जो एक नई ज्वाला का देदीप्यमान हो रहा है, राहुल गांधी के द्वारा ये यात्रा शुरू हो रही है, एक नए रूप में, एक नए आयाम में जा रही है, तो निश्चित तौर पर बिहार व पूर्णिया की महान जनता और महान भूमि से इसके नए देदीप्यमान बनेंगे, और नई शुरुआत होगी, और देश में निश्चित बदलाव होगा, ऐसा मुझे तो पूरा भरोसा है। चलिए तो हम आपको दिखा रहे थे, एक मैम है मुंबई से, सर है मध्य प्रदेश जी। सर कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी से हैं। भारत जोड़ो यात्रा सर कितना सफल रहा? भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल रहा। हाँ। पूरे हम लोग देश के कम से कम 15 प्रांतों में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, हम लोग सब भारत यात्री हैं जो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, और फिर हम लोग न्याय यात्रा के माध्यम से संदेश दे रहे हैं घूम करके। आज हर जगह, हर गांव में, हर गली में इस बात को बता रहे हैं कि इस देश में जो आज सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, ये कभी
इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के साथ दलाली करते थे। 1942 का भारत जो छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, उस समय लोग लिखित रूप से अंग्रेजों के साथ थे। जब इस देश में हमारी माताओं बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी तो ये दलाल अंग्रेजों के साथ रहते थे, और आज यही दलाल इस देश में सत्ता में कायम हो चुके हैं। अभी सर ने बताया ईडी और सीबीआई के बल पर लोगों को हड़काना, लोगों को दबाना आज इनकी आदत बन गई है, और उसी आदत को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर के चले हैं कि इस देश में हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। गांव-गांव हम लोग घूम करके वॉलंटियर लोग और गांव-गांव में ये संदेश देना चाहेंगे कि ये देश के गद्दार आज सत्ता में बैठे हैं। जिस तरह से अंग्रेज लोगों को खरीदते थे उसी तरह आज देखो बिहार में भी वही हाल हुआ। अभी आपको मालूम होगा अडानी 85,000 करोड़ का पैकेज लेकर के और खरीद बेच उच करके पलटी कर दिया यहाँ बिहार में, लेकिन ये वीरों की धरती है। अभी सर ने बोला चंपारण इतिहासकार की धरती है, यहाँ सबसे पहले आप जाओगे इतिहास में तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता है। शिक्षा के मामले में भी आप देख सकते हो आज भी सबसे ज़्यादा बिहार आईएएस और पीसीएस निकालने का काम करता है, ये शिक्षित लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार के धरती के लोग पूरा मजबूत हैं। हम लोग तो बहुत मजबूत हैं, बारे देख नहीं रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग मणिपुर से चले हैं, जिस मणिपुर में जातिवादी हिंसा फैला करके भारतीय जनता पार्टी ने कुकी और मैतेई समाज के अंतर्गत जो जाति द्वेष फैलाया है वहाँ से हम लोग आए हैं, नागालैंड में चले हैं। अभी बहन ने बोला ना आसाम से लेकर मेघालय से लेकर के और फिर अरुणाचल से लेकर वेस्ट बंगाल और बिहार में हम आए हैं, फिर वेस्ट बंगाल में जाएंगे। तो हम लोग लड़ने के लिए ही ना आए हैं, करेंगे क्या? अच्छा डर है, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, डरो मत। तो हम लोग डरते कहाँ हैं भाई, कहाँ? अच्छा डरते तो बैठते यहाँ और बोलते, आप बताओ हम लोगों को कोई डर नहीं है, न ईडी न सीबीआई न सीडी न मी। अच्छा यहाँ जो पलटी मारा गया है किससे मारा गया? नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए। किस लिए मारे? उनको डर है ईडी से सीबीआई से, उनको भी जेल में डाले होते नहीं गए होते तो नहीं जानते हैं। तो सीबीआई तो छापा मार रहे पड़ गए लालू जी। अब देख लो भाई लालू जी के ऊपर तो पड़ेगा, इसलिए कि इंडिया गठबंधन के साथ है उनके, और अमित शाह के बेटा जो है वहाँ पे हजारों करोड़ रुपया 7 साल में कमा के रखा है, उसके ऊपर नहीं ना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जिस दिन कांग्रेस की सरकार जब आएगी तब ना समझ में लोग आएगा, पूरा देश का तो चोरी कर लिया, सब कुछ तो बेच दिया। बात खुल गई तो हम पूछ लेते हैं, किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार जी जो पलटी मार के एनडीए में चले गए? गंदा काम, बहुत गंदा काम। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हमको वहाँ पे काम करने नहीं दे रहा था, रोक के रखा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, तेजस्वी ने ही आया तो बिहार में रोजगार, आपने देखा कितना नौकरी मिला, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पे आकर के नौकरी पा रहे हैं, यूपी में नहीं मिल रहा है, योगी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन तेजस्वी की वजह से तमाम हमारे नौजवानों को नौकरी मिला है। किसके वजह से मिला है? अगर तेजस्वी नहीं होता तो ये तो 15 साल से थे ना पहले भी, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया तो ये मत कहिए हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और हर जगह लड़ते रहेंगे। क्रेडिट का डर तो नहीं हो गया उनको? किसको? नीतीश कुमार को क्रेडिट का डर हो गया? वो क्रेडिट का तो डर उनको रहे, वो क्रेडिट तो जिसको जाना वो जाएगा, वो अलग बात है। वो ईडी और सीबीआई से डर गए,